नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं शौर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में मिले दो स्क्रब टाइफस के मामले, मेडिकल अस्पताल में दो मरीजों का इलाज जारी। नागपुर परिवहन समिति का गठन कर बैठकें आयोजित करे जिला स्कूल बस सुरक्षा समिति का आदेश। और नागपुर में मारवत उत्सव कमेटी द्वारा मनाया जाएगा उत्सव, 27 अगस्त के दिन हरिहर मंदिर जाएगी यात्रा। अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में जहां स्वाइन फ्लू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। स्क्रब टाइफस भी जिले में प्रवेश कर चुका है। जिले में स्क्रब टाइफस के दो मरीजों का सरकारी चिकित्सा अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोंदिया में भी दो मरीज सामने आने से चिंता बढ़ गई है। नागपुर में 24 घंटे के भीतर जिले में स्वाइन फ्लू के 20 नए मामले सामने आए हैं और स्क्रब टाइफस भी जिले में प्रवेश कर गया है। मेडिकल वार्ड में भर्ती दो मरीजों में से एक कलमेश्वर और दूसरा नरखेड़ का है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय पर इलाज शुरू किए जाने के कारण दोनों की हालत स्थिर है। गोंदिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पुणे के स्वास्थ्य विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार वहां दो मरीज सामने आए। इनमें एक मरीज गोंदिया जिले का और दूसरा बालाघाट का है। इसी बीच जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से अचानक से स्क्रब टाइफस के मरीज फिर से उभर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में सर्वोच्च माने जाने वाले केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का कुछ दिन पहले पुनर्गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इससे बाहर रखा गया था। इसके बाद नितिन गडकरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गडकरी ये कहते दिख रहे हैं कि मंत्री पद जाने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के अलावा सभी राजकीय पक्षों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वायरल हुए वीडियो पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी व्यक्त की है। उनके भाषण का ये वीडियो वायरल हो गया है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने भाषण में नितिन गडकरी ने 1996 में मेलघाट से जुड़ी एक घटना सुनाई, जब वह लोक निर्माण मंत्री थे। इसमें उन्होंने कहा कि मेलघाट में सड़कें नहीं थी, कुपोषण था। उस समय उन्होंने बयान दिया था कि जो कुछ भी होगा वह मंत्रालय छोड़ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लिप को पूरे भाषण से दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर बनाया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर झूठा और फर्जी अभियान शुरू किया है। नितिन गडकरी हमेशा से ही अपने स्पष्ट वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, इसलिए गडकरी ने कड़ी चेतावनी दी है कि यह बयान से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। 6 साल पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाए गए एक मूक बधिर लड़के को 6 साल बाद उसकी माँ को सौंप दिया गया, जब उसके पैतृक गाँव और उसके माता पिता का आधार कार्ड तैयार करते समय पता लगाया गया। इस मूक बधिर लड़के का नाम सोचन कुमार बालम यादव है। एक अनाथ मूक बधिर बालक 6 वर्ष बाद अपनी माँ के पास लौटा। वो वर्तमान में एक सरकारी अनाथालय में रह रहा था। 2016 में सोचन कुमार को रेलवे पुलिस ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाया था। वो बहरा और गूंगा है। उसे 1 वर्ष के बाद शंकरनगर चौक के बधिर विद्यालय और फिर 16 अक्टूबर 2018 को हुकेश्वर के बधिर विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में वे राजकीय बाल गृह पाटनकर चौक नागपुर में रह रहा है। यहाँ बच्चे के आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे, लेकिन सोचन कुमार का कार्ड नहीं बन रहा था, तो संगठन ने आधार कार्ड सेवा केंद्र मनकापुर के प्रबंधक कैप्टन अनिल मराठे से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बच्चे का आधार कार्ड पहले बना होगा, इसलिए नहीं बन रहा है, इसलिए हाथ के निशान वाला नया आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। लोकसत्ता ने सामने लाया था कि जिले में स्कूल परिवहन समितियां 3 साल से निष्क्रिय है। इसके बाद जिला स्कूल बस सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बार जिला स्कूल बस सुरक्षा समिति ने सभी विद्यालयों में इस समिति का गठन कर नियमित बैठक करने का आदेश देते हुए शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। क्या ये समितियां कम से कम अब सक्रिय होंगी, इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। जिला स्कूल बस सुरक्षा समिति ने हर स्कूल में परिवहन समिति बनाकर बैठकें करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्कूल बस समिति की अध्यक्षता पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने की। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्विनी दोरजे, पुलिस परिवहन विभाग के उपायुक्त सारंग अवध, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार सहित शिक्षा अधिकारी, स्कूल बस एसोसिएशन और विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में स्कूली बसों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उसके बाद जिला समिति ने प्राध्यापक प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रत्येक विद्यालय में नियमित बैठक करने का आदेश दिया। कल 24 अगस्त को अध्ययन निष्कर्षों के आधार पर केंद्रीय विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा केंद्र की स्थापना योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागपुर, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन के प्रतिनिधि नरेंद्र लांजेवार और हर्षलता बुराड़े प्रधान आहार नागपुर की अध्यक्षता में की गई। बुनियादी क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत ग्राम शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। इस समय ग्राम शिक्षा केंद्र के सहयोग से नागपुर जिले के प्रत्येक तालुका से 4 केंद्रीय विद्यालयों का चयन करने और उस स्थान पर एक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मौदा तालुका के जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय खात इस ग्राम शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षा व जिला परिषद सदस्य राधा अग्रवाल के हाथों रिबिन काट कर किया गया। ग्राम शिक्षा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर दुर्गा ठाकरे, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम शिक्षा केंद्र की अध्यक्ष भूमेश्वरी धोलवार मौजूद रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से संदीप गजबीये एवं मनाली उके प्राचार्य माथुरकर सेंटर हेड को विशेष सहयोग मिला। साथ ही गांव में गठित ग्राम शिक्षण समिति के सभी सदस्यों और स्वयं सेवकों को विशेष सहयोग मिला। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। कामठी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले चंद्रमणि नगर में नाले से बह रहा पानी काफी ऊपर बह रहा है, जिसका असर स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने सुधा नगर पालिका पर लिखित बयान देकर भी इस समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस क्षेत्र में नालों के गहरे न होने व सफाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये पानी नाले में बहने के बजाय सड़क पर बहता है, लेकिन कभी कभी ये पानी निवासियों के घरों में भी घुस जाता है। ये गंदा पानी यहाँ रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और नागरिकों ने मांग की है कि नगर पालिका इस समस्या पर ध्यान दे और नालों की सफाई करे। 5 वर्षापासून ही नाली साफ सफाई झाली, ही काय पूर्ण आमच्या चंद्र नगरच्या नाल्या साफ झाल्या नाही, त्यामुळे इथे पाणी जमा राहते, मागे पाणी जमा राहते नाल्या प्रत्येक ठिकाणी, आणि तो कचरा साचून नाल्या पूर्ण तुडून भरल्या कचऱ्याने। नळा जेव्हा पाणी सुटते पाईपमधून टँकीतून, तेव्हा पाणी वाहते, एक इथून वाहते, इथं जमा झाल्यावर ह्या इथून वाहते। तुम्ही सकाळी येऊन पहा, पूर्ण लोट वाहताना दिसून नाली करता। तक्रार केली तुम्ही ना? तक्रार सगळ्याच लोकांनी केली आहे, सगळ्यांचं आहे, पण कोणी येत नाही। आले तर मागं काय करताना इच्छी माती उचलली, आता त्या दिवशी आले तिथं बुलडोझर रस्ता खोडलं, ते
दुकानदारांना त्रास होणार, पण नागरिकांना लक्षच नाही आहे। नागपूर में काली मारबत उत्सव कमिटी द्वारा प्रतिवर्ष काली मारबत उत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, परंतु लॉकडाउन की वजह से 2 साल से इस उत्सव पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इस वर्ष 27 अगस्त के दिन बड़े जुलूस के साथ इतवारी से लेकर महल से होते हुए हरिहर मंदिर के लिए यात्रा जाएगी। इस कमेटी की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। माझा परिचय, मी पिवळ्या मारबत देवस्थान जे नागोबा देवस्थान मारबत नागोबा देवस्थान या ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे प्रकाश रामचंद्र गौड। काय म्हणजे आता मारबतच्या कोरोनाच्या कारणामुळे आता कसे कोरोनाचं काय म्हणजे 2 वर्ष आम्हाला फक्त आम्ही मूर्ती बनवण्यात आली आणि त्यांचं आम्ही फक्त विसर्जन केलं। म्हणजे विसर्जन जे आपण दरवर्षीप्रमाणे करतो, फक्त त्यामध्ये मिरवणूक निघाली नाही, पण यावर्षी शासनाची परवानगी आहे। बिमारीचा काळ फार थोडा कमी आहे, असला तरी थोडाफार आहे, त्यामुळे की आमची आता 137 वर्ष पूर्ण झालं आहे। हा का हे वर्ष आता 138 वर्ष आहे, आणि दरवर्षी जे मारबत आहे त्या पुरातन काळापासून इंग्रजाच्या शासनापासून ही मारबत उत्सव चालतो आहे। ते लोकांना रोगराई घेऊन जा हा मारबतीचा एक मेन हेतू होता। म्हणजे आधीच्या काळात छोटीशी पिवळी मारबत बसायची, जे कृषीप्रधान देश असल्यामुळे प्रत्येक घरोघरी मारबत बसायची, मग त्याला समाजाने 4 फूट मोठी मूर्ती बनवून त्याला ही मारबत सार्वजनिक करण्यात आली, आणि ती करून आता त्याला धार्मिक काहीतरी भावना असायला पाहिजे। ज्यावर इंग्रजाचं शासन होतं, इंग्रजाच्या शासनामध्ये मुभा नव्हती, म्हणून धार्मिक याला थोडीशी मुभा होती, म्हणून समाजाने इतर समाज एकत्रित करून स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये फार मोठा सहभाग घेतला। स्वातंत्र्याच्या चळवळीत हा फार मोठा सहभाग राहिला समाजात, इतर समाजाने त्याच्यामध्ये साथ, आणि ही चळवळ चालली गेली। त्यावेळेसपासून ही मारबत उत्सव 137 वर्ष पूर्ण झाले, हे 138 वर्ष आहे। मैं सचिन सुरेश गुप्ता, काली मारबत उत्सव कमिटी का कोषाध्यक्ष, और ये 142 वर्ष हो गए इस काली मारबत उत्सव कमिटी उत्सव को, जो कि हम 2 साल से कोरोना काल के कारण हम कुछ ये त्यौहार हम जोरों से कर नहीं सके। ये साल हमारा 27 तारीख को सुबह 10 बजे जुलूस के साथ इतवारी से लेके इतवारी महल होते हुए यह यात्रा गांधी पुतला गोलीबार चौक होते हुए मारवाड़ी चौक होते हुए यह हरिहर मंदिर के लिए जाएंगी। और कमेटी से वो क्या काम होता है? कमेटी से ये काम होता है, कमेटी में प्रोग्राम अच्छे होते हैं, सभी कार्यकर्ता अच्छे प्रोग्राम को प्रोत्साहन करते हैं, मारबत वारबत बनाते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। वर्गनी के लिए कम से कम अपने काम धंधे छोड़कर, जो कि लड़के और लड़के सब जन मेहनत करके वर्गनी निकालते हैं। ये साल में महंगाई की क्या महंगाई को तो पूछो ही मत, महंगाई तो ये साल तो बहुत ही है, सब डबल की इसमें महंगाई है। इसके कारण हम मारबत से यही बोलते हैं कि महंगाई ला घेऊन जा गे मारबत। मी काडी मारबत कमिटी अध्यक्ष गौरव आडे। मारबत 1881 पासून सुरू झाला सण आहे, आमच्यासाठी सण आहे, आणि 1881 मध्ये जे भोसले राजा होते त्यांची बहीण बकाबाई हे अंग्रेजांशी मिळाली होती, त्याच्या विरोध म्हणून नागपूरकरांनी ही मारबतचा सुरू केला, आणि त्या काळी लोकाला एकत्रित करण्याचा सगळ्यात मोठा सण म्हणजे मारबत राहायचा। क्रांती, नागपुरातली क्रांती सगळ्यात स्टार्टिंग मारबतच्या ह्याच्याने सुरू झाली आहे, आणि आम्ही तिला धार्मिक रूप म्हणजे पुतना मावशी मानतो। पुतना मावशीला कृष्ण श्रीकृष्णाने मृत्यू दिली, त्यामुळे ती पण देवी झाली, म्हणून आम्ही तिला देवीच्या रूपने पूजतो आणि मानतो। महागायचा हे मारबतमध्ये नसते, बडग्यामध्ये असते। मारबत हे देवीच्या रूपमध्ये मानले जाते, इथे ओटी भरतात, पूजा करतात, लोक दुरून दुरून लोक पूजा करतात, मन्नत मागतात, त्यांची मन्नत पूर्ण हर वर्षी होतात, आणि हिचं प्रसिद्धी होऊन राहिली वर्षोनिवर्षी। आम्हाला उद्या एवढा रश राहतो की आम्हाला सांभाळणं नाही होत।
काली मार्बत ये इतवारी से निकाली जाती है और करीब 145 साल पुराना इतिहास है। ये परंपरा है जिस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास ये काली मार्बत उत्सव समिति के सभी सदस्यों ने रखा है। तो मैं इस अवसर पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि एक हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को का जतन करने का काम इन लोगों ने किया है। काली मार्बत को देवी के रूप में लोग पूजते हैं। यहाँ पर लोग उनकी ओली भरते हैं जिसे ओटी कहा जाता है, ओटी भरते हैं और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि माँ जब भी आती है और जब जाती है तो रोग राई घेऊन जागे मार्बत, ऐसा कहते हैं। और ये सच्चाई भी है कि क्योंकि ये जो मौसम रहता है उस मौसम में बहुत रोग राई जहाँ वहाँ फैली हुई रहती है और ये सब चीज़ों को लेकर मार्बत यहाँ से निकलती है और जाती है। तो ये पुरानी परंपरा है और नहीं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे, कोरोना के जो दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से प्रेषित किए गए थे और हम सबका कर्तव्य है कि सरकार के द्वारा बनाए गए जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए क्योंकि कोरोना ये महामारी ऐसी थी कि जिसका इफेक्ट जिस भी परिवार पर होता था तो वो बहुत बहुत परेशानियों से गुजरता था। महंगाई के बारे में क्या, पूरा देश हलाकान है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। लोग आज महिलाएं पूरे घर का बजट उनका बिगड़ चुका है। तो महंगाई के बारे में तो ऐसा कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी से इस अवसर पर निवेदन करती हूं कि उन्होंने अब तो भी जागना चाहिए। ठीक है, आप राम भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी विदाउट पूजा घर से बाहर नहीं निकलते, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे देश का जो गरीब वर्ग है वो कैसे अच्छा रह सकता है, वो अपने परिवार को कैसा अच्छा संभाल सकता है, ये हमारे लिए बहुत बेहद आवश्यक है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करती हूँ। एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर 19 अगस्त को थाईलैंड में प्रतिष्ठित मिस एंड मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया था जिसके द्वारा मिसेज यूनिवर्स वर्ल्ड एशिया और इंडिया इंटरनेशनल के खिताब प्रतियोगियों को प्रदान किए गए जिनका प्रतिनिधित्व दुनिया भर से किया गया था। मिस एंड मिसेस कैटेगरी में दुनिया भर से कुल 25 प्रतिभागी थे जिनमें से एनिग्मा मिसेज एशिया गोल्ड कैटेगरी से बेल्जियम की डॉक्टर रेणुका क्रिकेटा को और एनिग्मा मिसेज एशिया सिल्वर कैटेगरी में रायपुर की सोनम श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। मिसेज वर्ल्ड 2022 यूके डॉक्टर परिन सोमानी ने हासिल किया था और एनिग्मा मिसेज वर्ल्ड प्लैटिनम कैटेगरी छत्तीसगढ़ से मिसेज पनप्रीत कौर ने हासिल की थी और सिल्वर कैटेगरी एनिग्मा मिसेज वर्ल्ड 2022 शिमला की मिसेज प्रिया पुंडीर, एनिग्मा मिसेज यूनिवर्स क्राउन गमप्रीत सिद्धू ने हासिल किया था। एनिग्मा मिसेज यूनिवर्स की गोल्ड कैटेगरी तृप्ति रॉय चौधरी ने जीती जबकि एनिग्मा मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2022 को रायपुर की प्रतिमा सिंह ने जीता और मिसेज रजनी श्रीवास्तव ने एनिग्मा मिस यूनिवर्स 2022 को फर्स्ट रनर अप जीता। मिस हर्षिका ठाकुर ने एनिग्मा मिस यूनिवर्स 2022 हासिल किया। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मेरा नाम अगप्रीत सिद्धू है और मैं उड़ीसा से हूँ और बहुत टफ रहा इस पर ये जो इवेंट में मैं आई हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जब मैंने पार्टिसिपेट किया था 25 लोग। अमरावती यवतमाल जिले में 5 साल पहले खेतों में छिड़काव के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक के छिड़काव से सैकड़ों किसानों को विष बाधा हो गई थी, इनमें से 23 की मौत भी हो गई थी। इस गंभीर मामले में यवतमाल जिले के किसानों को स्विट्जरलैंड की अदालत से स्विट्जरलैंड के सिंजेटा एग्रोकेमिकल कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी सहायता मिलेगी, ऐसे अहम फैसले का ऐलान किया गया है। इससे यवतमाल जिले के पीड़ित किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।